हेलो। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत वालेकुम सलाम। से हो मौलाना? हाँ जी, कौन? काशी बात कर रहा हूँ, बिजनौर से। बोलो। मोहतर, मैंने आपको बात पहले भी कभी फोन किया था, गालिबन 1 महीना पहले। आमिर शेख के बारे में मैंने फोन किया था पहले आपकी बात में, खबर मिली थी। मोहतर, आप मुझे एक जानकारी लेनी है हजरत। जो इस वक्त इख्तलाफ बहुत बढ़ रहा है मौलाना साहब के बारे में और शोरा के बारे में, तो हजरत से कहाँ तक बेहतर तरीका है, कहाँ तक दुरुस्त है तरीका? ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या मामला सामने, इसका नतीजा क्या पेश आ रहा है? सामने नतीजा क्या है इसका? शोरा की गलती हो रही है या मौलाना साहब की कमी हो रही है? क्या मामला? हर जगह रुस्वा हो रहे हैं शोरा वाले जी, हर जगह रुस्वा हो रहे हैं, जलील व ख्वार हो रहे हैं शूरा वाले। अच्छा, और ये रोग उन्होंने खुद ने पाला है। किसी ने इनको रोग लगाया नहीं, ये रोग खुद इन्होंने पाला है। अच्छा जी, तो मोहतरम, अब ये बात आ रही सामने कि शूरा वाले अपनी तरफ से जमात निकाल रहे हैं कि वो जमात तश्कील मरकज के खिलाफ कर रही है, हजरत मौलाना साहब साहब के खिलाफ कर रही है जी। तो ये आगे चल रहा है मौलाना मामला? हाँ चल रहा है जी। तो हजरत, इसके अंदर एक मामला और इश्काल में आया था। हजरत जी ने ये कहा है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा वो जहन्नमी है। वो आम बात में थी, जिस मजलिस में वो बात कर रहे थे, जो लोग उनसे झंझट कर रहे थे, जो लोग उनके सामने बैठे हुए थे, जो उनसे बहस मुबासा कर रहे थे, उन लोगों के ताल्लुक से कहा। तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जाओ जहन्नम में जाओ। जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बात समझा रहा हूँ पर आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको छिड़ कर बोल दो, भाई मानना है तो मान, नहीं तो जहन्नम में जा। तो मैंने आपको बोला, सारे आलम को नहीं बोला। बात समझ में आ रही है? वो जो रिकॉर्डिंग जो चल रही है, उस वक्त जो लोग आके जो बदतमीजी कर रहे थे मौलाना साहब से, उन लोगों से मौलाना साहब ने कहा मानना है तो मानो या फिर बाढ़ में जाओ, जहन्नम में जाओ। तो उन लोगों को बोला जो लोग वहां मस्जिद में बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? फितना, इसी को तो कहते हैं मुनाफिकत, फितना इसी को कहते हैं ना, कि बात थी उन लोगों के हद तक जो सामने मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया के लोगों के ऊपर उसको मुरतब कर दिया कि मौलाना साहब ने सारे लोगों को बोला कि मानना है मानो, जहन्नम में जा। ये मैंने पढ़ा था फेसबुक वगैरह, पढ़ा था मैंने कि उलमाए देवबंद के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगल रहे हैं। कौन जहर उगल रहा है? को कब क्या 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 जहर उगला उन्होंने? सब झूठ है, सब झूठ है, बोल रहे हैं वो झूठ है, झूठ। उलमा के, उलमाए देवबंद मत लगाओ, वो उलमा के खिलाफ वो बोल रहे है। ऐसे उलमा के खिलाफ बोल रहे है जो उलमाए सू है, जो तोड़ का काम कर रहे है, ऐसे उलमा के खिलाफ बोला है। और ऐसे उलमा के खिलाफ तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने बोला है, और हमारे अकाबिर बोलते हैं उन्होंने उलमा के खिलाफ जो उम्मत में तोड़ पैदा करते है। लेकिन लोगों ने उस उलमा के साथ लफ्ज देवबंद लगा दिया और लोगों को मुआवजा दे रहे मैंने मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी से अभी सामने फेस टू फेस बात की थी, अपना बैठ करके हमारे यहाँ पे आए थे बिजनौर में। अबू तालिब रहमानी साहब भी आए थे, सज्जाद नोमानी साहब भी आए थे एक मरतबा। बहरहाल कुछ मैंने नतीजा में सामने कोई हल नहीं, यानी कि उन्होंने तो कहा समझाने वाले बात कही जो कही उन लोगों ने, ऐसे कोई तोड़ वाली बात नहीं कही कि भाई कोई तोड़ हो दोनों। दारुल उलूम की जो शूरा है शूरा के जो एक मेंबर है मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी, दामद बरकत हो, ये कारी सिद्दीक साहब बांधवी के लड़के हैं, ठीक है। मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी से जब पूछा गया इस ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा जो लोग देवबंद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नंबर के झूठे हैं, कज़्ज़ाब है। हम देवबंद कभी जमात के खिलाफ था ही नहीं है, ना मौलाना साहब के खिलाफ था। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि दारुलूम देवबंद तबलीगी जमात या उनके किसी आमिर के ताल्लुक से लब कुशाई करे, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। किसके अल्फाज ये? ये अल्फाज है मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, जो के रुकन शूरा है दारुलूम देवबंद के। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, कि दारुलूम ने तो फतवा लगाया, ये फतवा लगाना तो दूर, दारुलूम कुछ लब कुशाई करे तबलीगी जमात के ताल्लुक से, मैं उसके भी खिलाफ हूँ।
अरे बात समझ में जी। तो बस एक लफ्ज देवबंद का बहाना है लोगों को, तो जैसे कि अहले हदीस गैर मुकलद लोग अहले हदीस का बहाना कुरान का बहाना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से ये शुरा वाले देवबंद का नाम लेके उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि वो इन दोनों के अंदर का तोड़ होगा तो जाहिर सी बात है, क्या नतीजा सामने आएगा? नतीजा वही सामने आएगा तोड़ वाला, उम्मत के टुकड़े होंगे, फिरके बन जाएंगे। चुरा वाले जो और जमाते निकाल रहे हैं ना, हाँ, दावत दावत और तबलीग के लिए जमात निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है? दावत व तबलीग के लिए, ठीक है। शूरा वाले जमात निकाल रहे हैं निज़ाम शूरा की तरक्की के लिए। उनका मतमय नज़र ये है कि हम जमात लेकर जाए जिस इलाके में जाए वहां जाकर शूरा की तबलीग करें, आलमी पाकिस्तानी शूरा है उसकी तबलीग करें। अब जमात में क्यों निकला जाता है? एलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकला जाता है, ईमान और यकीन की दावत के लिए निकला जाता है। ये लोग शुराइत के निज़ाम की दावत के लिए निकल रहा है, कहाँ इखलास बाकी तो है लोगों अभी के ना, अंदर? अभी हमारे नजीबात के अंदर भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो चुका है। शूरा वालों की जमात थी तो उनके साथ जमात वालों साथ उनको भगा दिया मस्जिद से, देखो भगाना नहीं चाहिए, देखो भगाना निकालते भगाना नहीं हाँ चाहिए। कोई अगर शूरा की जमात आपके हाँ इलाके में आती है मस्जिदों से निकालना नहीं चाहिए, ये बहुत बेगैरती की बात है। मस्जिद ना निकाला उसमें जाए, मौलाना साहब उनको मस्जिद में बिठाया जाए, उनका इकराम किया जाए और उनको ये कहा जाए कि आप यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ पर निज़ामुद्दीन के तर्ज पर काम होता है, आप उसके मुताबिक काम कीजिए। अगर वो उसके मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उनसे कहिए कि आप जिस जिस निज़ाम की तबलीग के लिए आए हो उसका काम तो हमारे यहाँ पर होता नहीं है, और उस मकसद से के लोग भी हमारे यहाँ नहीं है। बहरहाल आप ऐसी मस्जिद का रुख कीजिए जहाँ पर शूरा का काम होता हो, आप वहां जाकर काम कीजिए, लेकिन इकराम के साथ, इकराम के साथ उनको तो निकाला ना जाए, उनसे बदकलामी बदतमीजी ना की जाए। जी इसमें हमारे यहाँ पे जो वो कीचड़ उछला गया, इसमें इसमें कहा गया है, उसमें कहा गया है कि इनका रابطہ डायरेक्ट मौलाना साहब से चल रहा है और मौलाना साहब इनसे काम करवा रहे हैं। ना निकला द्वारा अभी जो वहाँ पे कोई मुफ्ती मुजाहिद हैं, उन्होंने बात बताई कि मौलाना साद साहब के बेटों से इनका रास्ता चल रहा है, जिन्होंने हमें भगाया है, उन्होंने धमकी दी उनको जान से मारने की। गलत बात है, गलत बात है, तबलीग वालों ने गलत, बहुत गलत बात है। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन उसका मामला हल हुआ और उसमें एक मीटिंग रखी थी हमने भी नजीबात के अंदर, उसके अंदर उसको हल किया गया कि भाई इस तरीके से कोई बदतमीजी की। आप कभी ऐसी आपको कभी ऐसा मामला दरपेश आए तो मैं आपको एक बात की मतलब तलकीन करूंगा कि जहाँ पर इस तरह का मामला पेश आए कि किसी अमारत वाली मस्जिद में शूरा की जमात आए और वहाँ पर अमारत वाले अगर उनसे बदतमीजी करने लगे, उनको मस्जिद से निकल, आप जाकर वहाँ पर नट जाओ, कहिए कि नहीं ये जमात आई है, ये मेहमान है, मेहमान रसूल है, ये रहेंगे हमारी मस्जिद में, इनका इकराम भी किया जाएगा। बस समझ रहे, इनका इकराम भी किया जाएगा, लेकिन इनको प्यार मोहब्बत से समझाया जाएगा कि आप जिस मस्जिद में आए हो इस मस्जिद के अंदर शूराई निज़ाम के तहत काम नहीं होता है। अगर आप अमारत के मुताबिक काम करते हो, जो काम में तो इख्तिलाफ नहीं है, तीन बातों से इनको इख्तिलाफ है, दावत इस्तकबाल अमल वाले से इनको इख्तिलाफ है और मुंतखब से इनको इख्तिलाफ है, ठीक है। तो ये दो अमल तो हमारे यहाँ बहरहाल होते हैं, तो आपको भी ये दो अमल करना पड़ेंगे, इसलिए कि हमारा जो निज़ाम चल रहा है वो ऊपर से चल रहा है, मरकज से चल रहा है। अगर आपको ये दो काम नहीं करना है और इस काम को अगर आप गलत समझते हो, तो आप इस काम को गलत समझते हो, हम इस काम को सही समझते हैं, तो आप में और हम में कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसलिए बहरहाल आप ऐसा कीजिए कि आप ऐसी मस्जिद का रुख कीजिए जहाँ पर शुरा का काम होता है, उनको एकदम इत्मीनान के साथ इकराम के साथ उनको किया जाए। अगर देखो तबलीग के काम को किसी ने गलत कहा ना कहेगा, और जो कहेगा वो गुमराही में फंसेगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर तबलीग वाला काम तो कोई नया काम नहीं है, पहली बात तो बात ये है, और जब से ये काम हो रहा है, जब से ये काम हो रहा है तब से सब उलमा इसके साथ हैं, तो अभी कोई इसमें नयापन थोड़ा आया, कोई काम के अंदर कोई नयापन थोड़ा आया पहले तक? और उलमा देवबंद ने तबलीग के खिलाफ कोई जहर या कुछ उगला नहीं है, खुद अरशमुद्दीन साहब ने कहा है कि कौन कहता है मौलाना साहब को अमारत से हटाओ या इमामत से हटाओ, उनको कौन कहता है? उनकी जागीर है, वो उसी जगह पर रहेंगे। हल कर दिए कि जो उन्होंने बातें कही है उनको तस्लीम कर ले, क्या मैंने ये कहा है उसको तस्लीम करता हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर कोई फॉल्ट अगर कोई आदमी पीछे बढ़कर ये करना चाहे तो वो गलत है। उलमाए देवबंद ने किसी ने ये नहीं कहा है कि भाई तबलीग का काम गलत है, जी ये सब तबलीग गलत है,
उसमें अगर देखो एक बात ना सबके जहन में जहन नशीन हुई एक बात में, उसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ कि जो मौलाना साहब साहब ने कुछ बात कही थी तो उनके अंदर तहरीर में तहरीर मौलाना साहब साहब ने कहा कि मैंने माफीनामा पेश कर दिया है। वो भी पीछे हुआ था ना इसके खिलाफ, पहले हुआ था वो कि मैंने तहरीर माफीनामा पेश किया है। जी पता है जी। तो अब उसके ऊपर अगर तो बात की का इश्काल ये उठा था कि भाई वो मजनू में माफी मांगे जैसे उन्होंने कहा है, तो वो उसी के ऊपर अलग आए थे कि भाई जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है, जिस तरीके से उन्होंने बदकलामी की है, इसी तरीके से मजनू में माफी मांगी है वो, तो हम सब साथ हैं उनके। तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम तबलीग के खिलाफ है। सुनिए ना जो ये बात कहता है ना, उन्होंने मजमे में कहा तो मजमे के अंदर माफी मांगे। आप उनसे एक सवाल कीजिए, कोई आदमी अगर शराब खाने में बैठकर शराब पीएगा तो क्या उसको तौबा शराब खाने में जाकर ही करना पड़ेगी? ये उसूल आपने कहाँ से लाए कि जहाँ आदमी कोई गलत बात कहता है वहां जाके ही अगर रुजू करेगा माफी मांगेगा तो उसकी माफी काबिल कबूल होंगे? बस समझ में आ रही है? हाँ। कोई अगर सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखे तो क्या उसके लिए यही कायदा है कि वो वही जाकर माफी मांगे? तो मोहतरम बात यह है, तो ये बात यह है कि मौलाना साहब से कहा था कि ऐलान रुजू करने के लिए बोला था। अब मैं कह नहीं सकता भाई बड़ों की बात बड़े जाने, हम तो किया ना मौलाना ने एक बार नहीं कई बार रुजू किया, ऐलानिया रुजू किया कई मरतबा। अच्छा अब लोगों ने अलाजुबिल्ला लोगों ने यहाँ तक कहा कि मौलाना साहब यहूदी से मिल रहे हैं, किसी जबान में क्या करें, लोगों ने कहा है जी सात साहब जो है वो यहूदियों से मिल चुके हैं जी। अब मतलब क्या कहा जाए लोगों की जबान को, अल्लाह ना करे ऐसे कैसे हो जाएगा। और मौलाना अहमद लाज साहब, इब्राहिम देवला साहब, इनके बारे में अभी लाज साहब देवन पहुंचे अभी मौलाना वो अहमद साहब लाट गए थे, मौलाना अहमद लाज साहब गए थे दारुल उलूम में अभी जब मौलाना सरीन साहब का इंतकाल हुआ था जी, वहाँ पे उनसे अच्छी बात करी, लेकिन देखो बड़े तो बड़े होते हैं, उसकी बुराई वराई कोई वगैरह कुछ नहीं करते वो, है ना जी। हाँ उन्होंने बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, अगर किसी के जैसे अल्लाह जब मर्जी चाहे जब मिला दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। सब ने यानी कि जो आवाम जितनी बातों को उछाल रही है, आलिम नहीं था उछाल रहा है, लेकिन आवाम ज्यादा इन बातों को उछाल रही है। देखो एक बात मैं यहाँ कहूँगा, जैसे कि आप कह रहे हो कि ऊपर वाले जो उलमा हैं वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे, ये नीचे वाले लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात मतलब गौर करने की है कि जो लोग नीचे निचली सतह के ऊपर जो लोग इस तरह के बहतान इल्जाम लगा रहे हैं इनको सरपरस्ती हासिल है उनके बड़ों की। अगर आप ये कहें कि मौला जो निचली सतह के जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं इनको सरपरस्ती हासिल है इनके बड़ों की, इनके बड़े कौन है? मौलाना अहमद लाड साहब है, फारूक भाई इंजीनियर है, मौलाना इब्राहिम देवला है, उनकी सरपरस्ती इनको हासिल है। चलो अगर ये बड़े उलमा अगर किसी की बुराई नहीं भी करते, इल्जाम नहीं भी लगाते, निचले वाले लोग लगाते हैं, निचली सतह के लोग लगाते हैं, तो निचली सतह वालों को ऊपर सतह वालों की सरपरस्ती हासिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बात है कि मौलाना अहमद लाड और मौलाना इब्राहिम साहब तक नहीं पहुँच रही, फिर वो अगर पहुंच रही है तो वो खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए, वो क्यों अपने लोगों को मना नहीं कर रहे भाई इस तरह की बातें ना करो, या फिर अगर उनको पता चल रहा है फिर भी वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं तो फिर वो कितमान हक है, वो हक को छुपा रहे और इनकी पुश्त पनाही कर रहे। बात समझ में आ रही है? अभी हमारे यहाँ पर एक मौलवी साहब है, उनसे हमने जब इस तमाम बातों को पूछा कि जो निज़ामुद्दीन से जुड़ा उनको मुर्तद कहा जा रहा है, मौलाना साहब को यहूदी कहा जा रहा है, वो मौलवी साहब कहने लगे क्या मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं, मैंने तो कभी इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने उनको ये कहा कि मौलाना आप दिन रात जिन लोगों के साथ घूम रहे हो, जिन लोगों को आपकी सरपरस्ती हासिल है वही लोग ये बातें कर रहे हैं, आप चाहे ना करें पर आप उनके बड़े हैं, आप जिम्मेदार है, शहर के जिम्मेदार है, ज़िले के जिम्मेदार है, आपके साथ उठने बैठने घूमने फिरने वाले शुरा निज़ाम में आपका साथ देने वाले ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती आपको हासिल है। अब हमने आपको ये सारी बातें बताई तो अभी आपका काम क्या है कि आप उन लोगों को मना करें, या आपके इल्म में पहले ये बातें थी फिर भी आपने मना नहीं किया तो फिर आपने क्या किया, मुनाफिकत वाला काम किया नहीं किया? ये बातें हैं। अब वो यासिन मेवाती ने मौलाना साहब के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाए,
है, इस ताल्लुक से जब मौलाना इब्राहिम देवला से जब कहा गया तो मौलाना ने कहा कि हम इस तरह की बातें नहीं करते, वो जाने और उनका खुदा जाने, इस तरह की कुछ उन्होंने बातें करके। तो सवाल ये पैदा हो रहा है, जब मौलाना इब्राहिम देवला इस तरह की इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो इल्जाम लगा रहा है उसको मौलाना इब्राहिम की सरपरस्ती हासिल है ना। अभी इज्तिमात हाँ ये हो बात रहे हैं, तो मौलाना इब्राहिम देवला मौलाना अहमद लाठ साहब के दस्तरखान पर बैठ के यासिन मेवाती है, उनके साथ बैठकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर खाना खा रहा है, जिसने दिन रात मौलाना साहब के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाया, वो बंदा मौलाना इब्राहिम मौलाना अहमद लाठ के साथ सफर कर रहा है, सफर व हजर में उनके साथ है, उनके एक दस्तरखान में बैठ के खाना खा रहा है। भले से मौलाना अहमद लाठ साहब मौलाना इब्राहिम साहब अगर बुरा भला नहीं भी कह रहे, इल्जाम तलाशी नहीं कर रहे, लेकिन जो इल्जाम तलाशी कर रहा है उनके सरपरस्त तो बन के बैठे हैं ना। फिर हमारा हाँ बोलना, फिर देखिए अगर इन लोगों हमारे ये जहनों में बात सवाल आता है कि जब आपको इन लोगों की सरपरस्ती हासिल है तो आप इन लोगों को मना क्यों नहीं कर रहे कि इख्तलाफ है नजरियात का, जातियात का इख्तलाफ नहीं है, इसको जातियात पर क्यों ला रहे हो? हाँ बात समझ में आ रही बस है आपकी? मोहतरम ये तो देखो ये हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये तो एक काबिले एतमाद बुजुर्ग थे जो मौलाना अहमद लाद साहब हैं, इब्राहिम देवला साहब हैं, जो काबिले एतमाद बुजुर्ग थे, इनको क्या हुआ फिर? देखो, नबी नबी के अलावा कोई जात मासूम अनिल खता नहीं है, ये बात तो मानते हो आप। साहबा इकराम के ताल्लुक से भी आया है कि साहबा इकराम सारे के सारे अदूल है, लेकिन उनके ताल्लुक से भी ये बात नहीं कही गई कि ये मासूम अनिल खता है। हमने तारीख का मुताला किया, सहाबा में से भी कितने सारे सहाबा कबायर के मुर्तकिब हुए, अल्लाह के नबी ने उन पर हुदूद कायम की, और कितने सहाबा आगे चलकर मतलब मुर्तद भी हुए। क्या अबू बकर रजी अल्लाह ने उनसे जिहाद किया? कुछ लोग ज़कात के मुनकिर हो गए, कुछ लोग किस चीज़ के मुनकिर हो गए, तो अबू बकर ने उनसे क्या किया? जिहाद किया। अल्लाह के नबी जब तक हयात थे ये मुनाफिक लोग, जब वफात के बाद ये मुनाफिक लोग क्या हो गए, खुलकर फिर अपना कुफर का ऐलान करने लगे। अबू बकर ने उनसे जिहाद किया। आई बात समझ में? तो दुनिया में नबी के अलावा फरिश्ते के अलावा कोई भी जात मासूम अनिल खता नहीं है। और हाँ ये ये जो बात इतना बड़ा दुनिया जो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, दुनिया इस्लाम जो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, तो ये तकसीम हुई है इन तीन बुजुर्गों के मरकज छोड़ने की वजह से। इसी वजह से मौलाना अहमद लाड साहब के उस्ताद ने उनको चिढ़ कर डांट कर कहा कि इब्राहिम लाड अहमद लाड तू उठ और निजामुद्दीन चला जा। है अगर हाँ, मौलाना अहमद लाड के जो उस्ताद है उन्होंने कहा कि तू इसी वक्त निजामुद्दीन चला जा और ख़त्म कर ये शुरा उरा सब। बात समझ में आ रही है? इनके अहमद असा लाठ साहब उस्ताद कौन है? अच्छा ये अहमद लाड साहब के जो उस्ताद है ये अपने अबू धाबी में रहते हैं, डॉक्टर तैयबुर रहमान, ऐसा कुछ तबीबुर रहमान या तैयबुर रहमान कुछ नाम नहीं जहन में आ रहा है मेरे पास। ऑडियो मैं आपको भेज दूंगा, अभी 2 दिन पहले ऑडियो ही। तो उन्होंने डायरेक्ट लताड़ कर कहा कि इब्राहिम लाड मेरा शागिर्द है, मैंने उससे कहा मेरी आवाज़ उस तक पहुँचा दो कि तू जा कर वहाँ से उड़े, अभी मरकज के ऊपर चला जा वापस और ये शूरा पूरा सब ख़त्म कर दे। तो इनके इन अकाबिरों के जो असातिज़ा हैं, अब इनकी उम्र इतनी है, इनके उस्ताद की उम्र कितनी होंगी? इनके असातिज़ा इनको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ये शूरा उरा के नाते मत पढ़ो, आलम अपने पाकिस्तान वालों के नाते मत लगो, निज़ामुद्दीन जाकर बैठो। ये लोग नहीं निकलते, इख्तलाफ नहीं होता। ये लोग निकले तभी तो और इख्तलाफ हुआ। हाँ ये निकलने से नीचे उसका हुआ मोहतरम हाँ, हमको ज्यादा हमको जो फर्क पड़ा है। इनके अकाबिर होने से हमको इनकार नहीं, इनके अल्लाह वाले होने से हमको इनकार नहीं, ये अल्लाह के वली है, हमको इससे इनकार नहीं, लेकिन ये निजामुद्दीन अगर नहीं छोड़ते तो इतना इख्तलाफ नहीं होता। इनका काम था लेकिन अंदर अगर की बातें थी, अंदर की बातें थी, अंदर बैठ के सॉल्व कर लेते। इसमें एक बात और पैदा होती है, मैंने सुना है कि इन्होंने कहा है कि हम निजामुद्दीन से नहीं जाते, लेकिन ये इनकी जो कोई मजबूरी बनी है निजामुद्दीन से जाने की, कि मौलाना साहब साहब बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, मौलाना साहब साहब जो है बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने इस बिना पर निजामुद्दीन को छोड़ा है। अच्छा ठीक है, मौलाना साहब साहब बात को मानने तैयार नहीं थे। अच्छा बताओ कौन सी बात मानने तैयार नहीं थे? हाँ, अब मैं कह नहीं सकता बस क्या मामला था इनका आपस में क्या नहीं था। ये लोग इस बात पर बसित थे कि रायवन के अंदर आलमी शूरा बने, और मौलाना साहब बसित थे कि रायवन में आलमी शूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वाले अच्छा हिंदुस्तान से इस काम को छीनना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान के मरकज को छीनना चाहते हैं।
तो मौलाना साहब की जो नज़र है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में आलमी शूरा बन जाएंगी, उसके हेड हाजी अब्दुल वहाब रहेंगे और सारे उमूर सारे फैसले पाकिस्तान से चलेंगे, तो हिंदुस्तान में जब ये फैसले नहीं रहेंगे, पाकिस्तान से ये फैसले होंगे, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हिंदुस्तान वालों पर पाकिस्तान के फैसलों के माताएं चलने की वजह से हिंदुस्तान में तबलीगी काम के ऊपर बैंड लगा सकती है। बात समझ में आ रही है? मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था, मैं तीन बातें अर्ज करता हूँ कि तबलीग की जब भी शुरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर शुरा अगर वक्ती तौर पर बनाई गई तो भूले से भी पाकिस्तान का कोई मेंबर इसमें ऐड मत करना, मौलाना अली मियां नदवी ने अपनी हयाती में कहा था। मौलाना अली मियां की नज़र सारी दुनिया पर थी, सारी दुनिया की सियासत को जानने वाले आदमी थे वो, चाहे अरब हो चाहे आजम हो चाहे यूरोप हो, सारी दुनिया की सियासत को जानने वाले थे। इन्होंने कहा था कि अगर ये काम और इस काम की बागडोर अगर ये पाकिस्तान चले गई तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के मातहत इस काम को करने की इजाज़त कभी नहीं मिलेंगी। मौलाना साद इस बात पर बजिद है कि काम तो चलेगा हिंदुस्तान से, काम पाकिस्तान से नहीं चलेगा, और पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि काम चले पाकिस्तान से। अरे बात समझ में, और ये जो जो अकाबिर सलासा जो निकले हैं, ये लोग पाकिस्तान के हामी हैं, ये लोग पाकिस्तान की शुरा की हिमायत कर रहे हैं और मौला सासा उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। यहाँ किसी की जात का मसला नहीं है, ना मौला साद की जात का मसला है, ना मौला इब्राहिम देवला की जात का मसला है। यह एक सोच है, यह एक फिक्र है, यह एक समझ है कि मौलाना साद साहब अपने अकाबिरों की नसीहतों के मातहत चल रहे हैं, कि जो अकाबिरों ने जो राय दी, जो अकाबिरों ने जो उनको ताकीद की, उस ताकीद की बुनियाद पर चल रहे हैं। मौलाना अली मियां नदवी मुफक्किर इस्लाम, मौलाना अली मियां नदवी को हम भुला नहीं सकते, उनके खिदमात को भुला नहीं सकते। मौलाना अली मियां नदवी की पेशन गोई है कि पाकिस्तान में इस काम की बागडोर कभी ले जाना मत, अगर पाकिस्तान में इस काम की बागडोर तुम ले जाओगे तो हिंदुस्तान में तुम्हारे काम करने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी हमारी कोई ये तंजीम नहीं है, ये कोई तहरीक और तंजीम नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में जब इसका हेडक्वार्टर बनेगा, पाकिस्तान में इसका मरकज बनेगा, तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान वालों के लिए पाकिस्तान का हेडक्वार्टर या मरकज बनना हिंदुस्तान वालों के लिए एक पाकिस्तान की तंजीम और तहरीक करार पाएंगी, और हम जब वहाँ के फैसलों के मुताबिक काम करेंगे तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि तुम पाकिस्तानी तहरीक के मुताबिक काम कर रहे हो, तुम पाकिस्तानी तंजीम से जुड़े हुए हो, हिंदुस्तान के अंदर काम के बंद होने का की वजह बन सकती है ये सब चीजें। मौलाना साद की नजर, हाँ मौलाना साद की नजर इस बात पर है, पर इस बारीकी को ये अकाबिर सलासा जो निकले हैं ये महसूस नहीं कर रहे। तो तारिक जमील साहब की क्या राय है इसमें? मौलाना तारिक जमील साहब की कोई राय नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब एतदाल पसंद है, वो कह रहे हैं कि दोनों जारिब के उलमा का इकराम करो और काम करते रहो। हाँ, दोनों जानिब के हमारे अकाबिर है, दोनों जानिब हक है, दोनों जानिब के उलमा का इकराम करो और काम करते रहो। मतलब ये कि मौलाना तारिक उम्मत को ये पैगाम दिया, काम करो, काड़ी मत करो, उंगली मत करो। बस समझ आ रही है? मौलाना तारिक जमील के सारे बयान का लुब्बे लुबाब क्या है? तबलीग करो, उंगली मत करो, तबलीग करो, सियासत मत करो, काम करो। हमारा काम काम करने से, हमारा हमारा हमारी दावत का काम काम करने से ताल्लुक रखता है, उंगली करने से ताल्लुक नहीं रखता है। देखो तो कुल मिलाकर की बात देखो ये है, उलमाए देवबंद भी है और उलमाए मरकज भी है, और दोनों काम पूरी दुनिया के अंदर आम है, दोनों काम। क्योंकि हम तो किसी को बुरा न, तो हम देवबंद वालों को बुरा कर सकते, मरकज वालों को बुरा कर सकते। जी तो देखो, मरकज से हमें इंसानियत का पैगाम मिलता है, तो वहां से भी इल्म का दर्श मिलता है दारुल उलूम से भी, तो दोनों को किसी को बुरा नहीं। लेकिन देखो, बेहतर तरीका ये है कि कीचड़ ना उछाली जाए उलमाओं पर, कीचड़ ना उछाली जाए, है ना, सबसे अच्छा तो काम ये है। लेकिन बस अल्लाह की मर्जी है, क्या मामला है इसमें, क्या नहीं है, जो इख्तिलाफ खत्म नहीं होने पा रहा। तो इसके दुआ करें, दुआ करें, दुआ का ज्यादा दिमाग ना लगाए, आप बहुत सोच रहे हो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला इख्तिलाफ को रफा कर दे, कोई बीच की राह निकाले कि सारे अकाबिर उस राह के ऊपर आ जाए और उम्मत टूटने से बच जाए, बस यही दुआ करते रहो। जी, बस मोहतरम ये मामला है, अल्लाह बस
क्योंकि अगर उम्मत के तो बिल्कुल टुकड़े बढ़ जाएंगे, अगर इन दोनों में अगर तिरका बन गया तो उम्मत के बिल्कुल टुकड़े बढ़ जाएंगे, फिर उम्मत किसी लायक नहीं रहेगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है ना कि आधे बरेली और अहले हदीस में चले जाएंगे। मुझे उलमाए देवबंद ये तो सब उलमाए देवबंद की शाख है जी, सब उलमाए देवबंद के लेन देन, सब उलमाए देवबंद की मोहब्बत रखने वाले, और उलमाए देवबंद का मामला क्या है, सब ये तो सब एक एक बाप के एक नस्ल के औलाद है सारे, तो इनकी तो बातों के अंदर कोई फर्क नहीं मिलता। हजरत बहरहाल ने कह दिया जी, बहरहाल आप ज्यादा मत उलझे इस मामले में, अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। आई बस समझ गए, और एक दूसरे का इकराम करते रहे, किसी पर कीचड़ ना उछाले, ठीक है, अपने आमाल, हाँ अपने आमाल जाये ना करे, हाँ बस किसी के ऊपर बहुतान तराशी ना हो, अल्लाह से बस दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, ऐसी राह पैदा करे जिस पर दोनों फरीक क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। जी जी, और मोहतरम मैंने आपके पास मेरा नंबर मौजूद होगा मोहम्मद काशिफ से, व्हाट्सएप नंबर 9917 से नंबर है ना मेरा, आप व्हाट्सएप भी कर अपना नाम शायद अपना नाम लिख के भेज देना इंशाल्लाह, मैं सेव कर लूंगा। हाँ मैं उसका नाम लिख करके भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, चलो दुआ में याद रखिए और दुआ फरमाए इंशाल्लाह।